हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 10 की, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एम्पेरिकल फॉर्मूला की और मॉलिकुलर फॉर्मूला की। उस पर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और समझे थे कि किस प्रकार से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में, कितने प्रकार की डेंसिटी है और किस प्रकार से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला से स्टार्ट किया था। मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला समझते हुए हमने एक ये स्टेटमेंट समझने की कोशिश की थी, और फिर एक क्वेश्चन किया था। ये टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और ये लास्ट क्वेश्चन फिर हमने समझा था कुछ दो पॉइंट्स कि किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये सब हमने डिस्कस किया था, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेंसिटी की। किसकी बात करने वाले हैं? डेंसिटी की। ध्यान से समझना बेटा, ये डेंसिटी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चंस में यूज होती है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हमारे लिए। तो देखो, सबसे पहले बात करें हम डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या है? तो देखो, इसके बारे में हम बात करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। जैसे डेंसिटी को डी से लिखे तो मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का वैल्यू यदि एक हो जाए तो वॉल्यूम का वैल्यू एक होते ही डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? मास के बराबर हो जाएगी। यही मैंने लिखा है कि यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास होगा वो किसके इक्वल होगा? डेंसिटी के इक्वल होगा। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मास की भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, वॉल्यूम की भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, और यहाँ के पे हम क्वेश्चंस में मास की यूनिट ग्राम या किलोग्राम कंसीडर करेंगे, और वॉल्यूम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, एमएल हो सकती है, लीटर हो सकती है, मीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, सीसी हो सकती है, डेसीमीटर क्यूब हो सकती है। ये सब हमने डिस्कस किया था आइडियल गैस के केस में। तो वॉल्यूम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो डेंसिटी की यूनिट हमारे पास में किस प्रकार से कैसे क्या क्या हो सकती है? यदि मास ग्राम में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो ये हो जाएगी ग्राम पर मीटर क्यूब। मास ग्राम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो ग्राम पर लीटर। मास ग्राम में है, वॉल्यूम सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब। मास ग्राम में है, वॉल्यूम एमएल में है, तो ये लो एमएल। ऐसे ही मास केजी में हो और ये लीटर में हो वॉल्यूम, तो ये केजी पर लीटर। ऐसे ही मास केजी में हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तो इस प्रकार से। ऐसे ही मास केजी में हो और वॉल्यूम एमएल में हो, तो इस प्रकार से। ऐसे ही मास केजी में हो और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो, तो इस प्रकार से। तो ये बहुत सारी यूनिट्स डेंसिटी की पॉसिबल है। समझ में आई बात बेटा? तो डेंसिटी की बहुत सारी यूनिट्स पॉसिबल है, ये हमें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमसे किस यूनिट में गिवन है और किस यूनिट में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। समझ गए बेटा? तो सीधी सिंपल सी बात है, डेंसिटी क्या होती है? यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट सब्सटेंस का मास ही क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। अब जिस सब्सटेंस की डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, उसी सब्सटेंस का मास होगा और उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम होगा। ऐसे तो है नहीं कि डेंसिटी हम किसी और की कैलकुलेट करेंगे, मास और वॉल्यूम किसी और का यूज़ करेंगे। तो जिस सब्सटेंस का मास और वॉल्यूम यूज़ होगा, उसी की डेंसिटी हमारे पास में आएगी। यहाँ पर एक नया टर्म और आता है, रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान देना बेटा, रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी को हम लिखेंगे आरडी से। अब रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है? रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होगी हमारे पास में, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। रेफरेंस सब्सटेंस का मतलब क्या है? जिसे नाम से ही पता चल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी, तो हम किसी ना किसी के रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं।
किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो जो रेस्पेक्ट वाला सब्सटेंस है वही क्या कहलाएगा, रेफरेंस सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो जो रेस्पेक्ट वाला जो सब्सटेंस है वही क्या कहलाएगा, रेफरेंस सब्सटेंस कहलाएगा। अब देखो बेटा, जो इस डेंसिटी की यूनिट होगी, डेंसिटी की यूनिट जो इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, तो हमारे पास में जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। क्या होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। तो यहाँ से हम डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, है ना। डेफिनेशन भी ऐसे बोल सकते हैं, या फॉर्मूला हमें पता ही है ना, रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, रिलेटिव डेंसिटी है वो दो प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, और वो दोनों ही प्रकार से जो डिफाइन करेंगे वो क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में वो लैंग्वेज में यूज़ होती है, और जब तक हमें वो क्लियर नहीं होगी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, समझ में आई बात। तो इसलिए उनको भी एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये दो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, या ऐसे भी बोल सकते हैं रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस, यहाँ से डेफिनेशन निकाली जा सकती है, समझ गए बात। और ये जो है यूनिटलेस होगी, क्योंकि जो ऊपर वाले सब्सटेंस की यूनिट होगी वही नीचे वाले सब्सटेंस की यूनिट होगी, डेंसिटी की यूनिट। ठीक है, आगे चले, अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। तो रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप का होगा हमारे पास में, आरडी जो होगा, पहले हम केस फर्स्ट बनाते हैं आरडी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो वो क्या होगा देखते हैं, है ना। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर दो टर्म यूज होंगे हमारे पास में, एक टर्म होगा आरडी के लिए, रिलेटिव डेंसिटी है अगर सॉलिड और लिक्विड की, तो उसके लिए एक टर्म यूज होगा स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, और एक टर्म यूज होगा हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये क्वेश्चन में यूज होंगे तो हमें चमकने चाहिए कि ये रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा है। अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये तो हमारे दिमाग में सीधा क्लिक करवाएगा कि ये ग्रेविटेशन की बात कर रहा है, लेकिन ये दोनों शब्द हमारे दिमाग में चमकने चाहिए, समझ में आई बात। ये दोनों अगर चमकेंगे नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ से देखो, ये दोनों आर डी का मतलब है, तो बेसिकली हम बात करें स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो हो जाएगा हमारे पास में डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O की डेंसिटी का रेशियो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है, सॉलिड और लिक्विड के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होगी उसका नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी, और इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारे पास में सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O की डेंसिटी का रेशियो। और हम ये भी बोल सकते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ H2O जो होगी हमारे पास में वो होगी 1 ग्राम पर ml, कितनी होगी 1 ग्राम पर ml, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो डेंसिटी की यूनिट ऊपर होगी वही डेंसिटी की यूनिट नीचे होगी, तो 1 ग्राम पर ml, यहाँ ग्राम पर ml होगा तो यहाँ भी ग्राम पर ml होगा, तो ये तो स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस बन जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा यूनिटलेस, यूनिटलेस, और 1 का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में आई बात। ऐसे यदि हम बात करें केस सेकंड में, तो केस सेकंड है आरडी फॉर गैस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस के लिए आरडी को हम नए वर्ड से डिफाइन करते हैं, वो होता है हमारे पास में वेपर डेंसिटी, किससे डिफाइन करते हैं वेपर डेंसिटी से।
और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं वीडी। गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होगी उसके लिए नया शब्द है वेपर डेंसिटी। समझ में आई बात? गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होगी उसको हम नया शब्द बोलेंगे वेपर डेंसिटी। ध्यान देना बेटा, तो वेपर डेंसिटी होता है हमारे पास में डेंसिटी ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का मतलब यहाँ पर है जो ऊपर वाली गैस के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वही टेम्परेचर और प्रेशर किसके लिए होना चाहिए? H2 के लिए होना चाहिए। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू वेपर डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। वो थोड़ा सा पीछे गलत हो गया तो थोड़ा सुधार कर लेना बेटा। तो ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए बेटा। तो आज हमने बात करी डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की, और रिलेटिव डेंसिटी भी दो प्रकार से सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइन करी है और गैस के लिए डिफाइन करी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है बेटा, अब देखो गैस के लिए हम एक चीज़ और जानते हैं, उसका भी डेरिवेशन हम कर लेते हैं। फोर गैस, या ध्यान देना, फोर गैस आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, जो P और V है मैंने इसको ऐसे कैसे रख लिया और मोल को वेट के टर्म्स में लिख लिया W बाई एम। मोल बराबर क्या होता है? N बराबर W अपॉन M और ये RT। अब ध्यान देना, इस V को तो मैं इधर ले आया और इस M को इधर ले गया, तो ये बन गया PM W अपॉन V और RT। W अपॉन V अपॉन RT। तो W क्या है? मास है, और V क्या है? वॉल्यूम है, और मास अपॉन वॉल्यूम ही तो क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। मास अपॉन वॉल्यूम ही क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। देखो, मास अपॉन वॉल्यूम ही क्या कहलाता है? डेंसिटी, या W अपॉन M भी लिख लो इसको, या इसको लिख लो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास में वो एक एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास में डेंसिटी, PM इज इक्वल्स टू DRT, या मैं इसको लिख सकता हूँ D इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT। ये डेंसिटी है किसी भी गैस की, क्योंकि PV इज इक्वल्स टू nRT किसके लिए लागू होता है? आइडियल गैस के लिए लागू होता है। तो ये डेंसिटी भी किसकी आई है? आइडियल गैस की डेंसिटी आई है हमारे पास। अब ध्यान देना बेटा, हम बात करें वेपर डेंसिटी की, तो वेपर डेंसिटी जो होता है हमारे पास में वो होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, अगर D गैस की बात कर रहा हूँ तो P गैस, M गैस और R कांस्टेंट है T गैस। यदि मैं बात करूँ DA की तो वो क्या हो जाएगा? PA, MA अपॉन R और TA। ऐसे यदि मैं बात करूँ B की तो DB इज इक्वल्स टू PB, MB अपॉन R और TB। ऐसे यदि मैं गैस की बात करूँगा तो D गैस इज इक्वल्स टू P गैस, M गैस अपॉन R और T गैस। सिमिलरली यहाँ पर D गैस की बात कर रहा हूँ मैं, तो D गैस क्या हो जाएगा? D गैस इज इक्वल्स टू P गैस, M गैस अपॉन R और T गैस। ऐसे सिमिलरली D H2 की बात करूँगा मैं तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? PH2, MH2 अपॉन R और TH2। और हमें पता है वेपर डेंसिटी जो होता है वो D गैस अपॉन DH2 होता है, तो ये वैल्यूज पुट कर दो तो ये हो जाएगा P गैस, M गैस अपॉन R और T गैस अपॉन PH2, MH2 अपॉन R और TH2।
अब देखो उस फॉर्मूले में हमने लिखा था सेम कंडीशन। सेम कंडीशन का मतलब है प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम होगा, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर सेम होगा, आर और आर सेम होगा, तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में वेपर डेंसिटी है वो आ गई एम गैस अपॉन एम एच टू, और एच टू जो है वो मॉलिक्यूल है, एच टू का मोलर मास कितना होगा, दो होगा, तो वी डी हो गया हमारे पास में वेपर डेंसिटी, वो हो गया एम गैस अपॉन। तो किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो उस गैस का मोलर मास अपॉन दो, एम गैस जो है हमारे पास में वो है मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। तो यहां से ध्यान देना बेटा, किसी भी गैस की अगर वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके मोलर मास को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी वेपर डेंसिटी हमें मिल जाएगी। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वेपर डेंसिटी का, ठीक है? इसको देखना बेटा, बार बार देखना, कुछ चीज़ें अगर मेरे गलत भी बोली गई है तो उसको मैंने सुधार दिया है, वो सही कर लेना आप लोग, है ना? बार बार देखो तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना? समझ में आ रही है बातें, तो आगे चलते हैं। अब देखो ये तो डेंसिटी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो तो कंप्लीट हो गया, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अब ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, इफ वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम अननोन गैस है एट एसटीपी इज 11.2 लीटर, देन फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस। अननोन गैस का मास गिवन है डब्ल्यू गैस, वो है 8 ग्राम, मोलर मास ऑफ गैस हमें पता नहीं है, और वी गैस हमें पता है वो कितना है 11.2 लीटर, ठीक है? और वेपर डेंसिटी चाहिए, और वेपर डेंसिटी के लिए हमें एम गैस चाहिए, लास्ट वाला फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। यदि हमें वेपर डेंसिटी निकालना है तो एम गैस चाहिए, और एम गैस ये हमें गिवन नहीं है, लेकिन एम गैस निकालने के लिए हमें वॉल्यूम गिवन है और वेट गिवन है। तो हमें पता है जब भी हमें कुछ नहीं निकालने आता हो उस कंडीशन में हमें मोल तो कैलकुलेट करना ही करना है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, एसटीपी कंडीशन दी हुई है तो 22.4 लीटर। तो देखो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो वेट हमें गिवन है 8 ग्राम, मोलर मास हमें पता नहीं है, वॉल्यूम है हमारे पास में 11.2 और ये 22.4, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मोलर मास ऑफ गैस आ गया हमारे पास में 16 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ गैस कितना आ गया, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है? अब हमसे पूछा हुआ है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2, और ये कितना है 16 और बटे 2, और ये आ गया 8। और वेपर डेंसिटी क्या होगी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी तो है, और रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होगा, और उसकी यूनिट भी क्या होनी है, सेम होनी है। तो ये रिलेटिव क्वांटिटी होने के कारण ये क्या है, यूनिटलेस है। समझ में आई बेटा? तो देखो हमें जो दो वैल्यूज दी हुई थी उससे मोल के टर्म्स में हमने कैलकुलेट किया, कुछ भी गिवन हो मोल कैलकुलेट करना ही करना है। और मोल के तीन फॉर्मूले हमने लिखे हुए थे, तीनों में आपस में भी इक्वल होंगे वो। समझ में आई बात, सब क्लियर है बेटा? हाँ, आगे चले। आगे देखो एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, इन ए मिक्सचर 2 मोल H2 एंड 3 मोल O2, देन फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। देखो बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं तो मोलर मास किसका यूज करते हैं, गैस का। अगर मैं वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर यूज करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो मोलर मास भी किसका यूज करेंगे, मिक्सचर का। सीधी सिंपल सी बात है, ये मिक्सचर है किसका, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो वेपर डेंसिटी मिक्सचर की निकालनी है तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना पड़ेगा, और मोलर मास ऑफ मिक्सचर मिक्सचर एनालिसिस में हमने अच्छे से पढ़ा था वो क्या होता है, एम मिक्सचर इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। वहां पर मैंने NA, MA, NB, MB यूज किया था, या 1-2 नोटेशन यूज किया है।
देखो मोलर मास ऑफ मिक्सचर की बात करें हम, तो पहला मैं हाइड्रोजन कंसीडर कर लेता हूँ, हाइड्रोजन के मोल है 2 और मोलर मास है उसका 2, हाइड्रोजन का मोलर मोल भी दिए हुए हैं 2 और मोलर मास भी कितना 2। दूसरा है ऑक्सीजन, 3 मोल दिए हुए हैं और मोलर मास है 32, और अपॉन टोटल मोल कितने हो गए, 2 प्लस 2 प्लस 3, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। तो इसको यूज कर लेंगे हम, तो एम मिक्सचर इजिक्वल्स टू हो गया 32 96, 96 और 4 100, 100/5, तो ये आ गया 20 ग्राम पर मोल। तो एम मिक्सचर आ गया हमारे पास में 20 ग्राम पर मोल, जबकि हमें तो क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, हमसे क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा हमारे पास में एम मिक्सचर बाई 2, और ये हो गया 20/2 यानी 10। इस प्रकार से हमारे पास में कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी गैस हो, कोई भी मिक्सचर हो, तो हम उसका वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा, हाँ या ना। कमेंट सेक्शन में बताना बेटा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, रूबीडियम चैनल जो अपना रूबीडियम चैनल है उसको सब्सक्राइब करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, आप भी इसका फ़ायदा उठाओ और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा उठाने दो। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला, इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ N2O4 एंड NO2 इज 27.2, इसको 27 ही कर लो बेटा, ये डाटा मिसप्रिंट है, इसे 27 ही है, बेटा ये है ना, ये डाटा मिसप्रिंट है, ये 27 ही है। देन फाइंड मोल परसेंटेज ऑफ N2O4, मास परसेंटेज ऑफ N2O4। ठीक है, जो जो चीजें गिवन है उससे पहले तो कैलकुलेट करो, मास मोल परसेंटेज निकालने के लिए हमें इनके मोल मानने पड़ेंगे, और मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें इनका मास मानना पड़ेगा या मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो करते हैं, ट्राई करते हैं। वेपर डेंसिटी गिवन है हमारे पास में मिक्सर की, वीडी मिक्सर गिवन है, तो एम मिक्सर डिवाइडेड बाई 2, और वो है 27। तो एम मिक्सर जो है वो आ गया हमारे पास में एम मिक्सर डिवाइडेड बाई 2, तो एम मिक्सर आ गया 27 × 2 = 54। पहली चीज तो हमें ये पता चली। ठीक है, अब देखो N2O4 गिवन है, N2O4 और NO2, तो इसके मोल मान लिए मैंने N1, इसके मोल मान लिए मैंने N2। ठीक है, एम मिक्सचर हमें गिवन है, इन दोनों के मोल हमें पता है, तो एम मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1 m1 + N2 m2 / N1 + N2, और ये कितना है 54, बराबर N1 का वैल्यू हमने N1 ही माना है, M1 का वैल्यू इसका मोलर मास होगा, और वो मोलर मास कितना होगा, 16 × 64 = 28 = 92। ठीक है, सिमिलरली ये आ गया हमारे पास में N2, और इसका मोलर मास कितना होगा, 32 × 14 = 46 / N1 + N2। ठीक है, यहाँ से हम N1 और N2 में एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो सिंप्लीफाई करो इसको, 54 N1 + 54 N2 = 92 N1 + 46 N2, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 3 38, 38 N1, और ये हो जाएगा अपने पास में 4 8 N2, 46 4 8 N2। तो N1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8/38 N2, ये N1 और N2 में रेशियो आ गया। ठीक है, N1 और N2 में रेशियो आ गया। अब जब तक हमें रेशियो पता नहीं चलेगा तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब देखो बेटा, जब इसके मोल हमें पता है तो इसका वेट कितना होगा, मोल परसेंटेज और मास परसेंटेज पूछा हुआ है ना, तो इसका वेट कितना होगा, इसका मास हो जाएगा N1 into
92, और इसका मास हो जाएगा N2 into 46। समझ गए बात को? तो पहला क्वेश्चन, मोल परसेंटेज, ऑफ N2O4, और N2O4 का मोल मोल कितना है? N1। तो N1 परसेंटेज इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 और इनटू 100, अब देखो N1 की वैल्यू पता है हमें N2 के टर्म्स में, तो या N2 की वैल्यू निकाल लो N1 के टर्म्स में, है ना। तो मैं यहाँ से N2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 38 अपॉन 8 N1। तो N1 परसेंटेज हो गया हमारे पास में N1 अपॉन N1 प्लस 38 अपॉन 8 N1 और इनटू 100। अब देखो N1 और N1 को मना करके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये आ जाएगा N1 इनटू 1, N1 इनटू 1 प्लस 38 अपॉन 8 और इनटू 100, ठीक है। तो N1 से N1 कैंसिल आउट हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास में N1 परसेंटेज आ जाएगा, और N1 परसेंटेज किसका है? N2O4 का है। N1 परसेंटेज किसका है? N2O4 का है। समझ में आई बेटा? समझ में आ रही है क्या चीजें? देखो बेटा इस वीडियो को देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप भी है, सोच भी नहीं सकते, तो आप इसको ट्राई करना, कोशिश करना कि आपसे हो जाए, और बार बार ट्राई करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो अपने को एक स्लाइड लेनी पड़ेगी बेटा, तो स्लाइड ले लेते हैं एक। यहाँ देखो अब ये आ गया हमारे पास में, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। N1 परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 38 अपॉन 8 इंटू 100। तो LCM लिया तो ये 8 आ गया, 8 ऊपर चला गया तो ये आ गया 8 अपॉन 8, और ये कितना? 46 इंटू 100, तो ये आ गया 800 अपॉन 46। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है, आया ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, WN2O4 परसेंटेज, तो वो क्या होगा? WN2O4 अपॉन WN2O4 प्लस WNO2 और इनटू 100। मिक्सचर में कौन कौन है? N2O4 है और NO2 है, तो WN2O4 कितना हो जाएगा? N1 इनटू 92 अपॉन N1 इनटू, सॉरी, N1 इनटू 92 प्लस N2 इनटू 46 और इनटू 100। N1 का वैल्यू सिमिलरली यहाँ पुट कर दो, N2 का वैल्यू पुट कर दो, तो 92 N1 अपॉन 92 N1 प्लस N2 का वैल्यू 38 अपॉन 8 N1 और ये 46 और ये इनटू 100, तो ये आ गया WN2O4 परसेंटेज। अब N1 कॉमन ले लो इसमें, N1 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 92, और N1 कॉमन लिया तो ये N1 अपॉन N1 कॉमन लिया तो ये आ गया 92 और ये आ गया 38 अपॉन 8 इंटू 46 और इंटू 100, तो N1 से N1 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? N2O4 का मास परसेंट आ जाएगा। देखो बेटा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, है ना, तो आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना वेपर डेंसिटी जो है वो मोलर मास, अगर गैस की वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, और किसी ए सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो ए का मोलर मास अपॉन डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही मिक्सर की वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो मिक्सर का मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, और मिक्सर का मोलर मास हमने मिक्सर एनालिसिस में भी बात करी थी और आइसोटॉप्स के केस में भी हमने बात करी थी। समझ में आई बात? समझ में आ रही है चीज़ें? इसको फिर से अगर कहीं पर भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये तो बाउंस हो गया, तो आप इस वीडियो को फिर से देखना,
कोशिश करना समझने की, आप खुद कोशिश करोगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर होती जाएंगी, अदरवाइज टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। ठीक है बेटा, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ आपको, रफ कॉपी में पेन तो चलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सोचो कि मैं तो बैठा रहूँ तकिया लगा के और मेरे को समझ में आ जाए सारी चीज़ें, जैसे हिंदी लिटरेचर होता है वैसे समझ में आ जाए, ऐसे नहीं होता है बेटा। प्रैक्टिस खुद को भी करनी पड़ेगी अपने को, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये खुद को करनी पड़ेगी, तब जा कर के चीज़ें होंगी, अदरवाइज चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे करने से आपके मार्क्स आ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ आपको बताने का, समझ गए बात को। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, फिर भी कहीं समस्या रहती है तो इस वीडियो को फिर से देखना, दोबारा देखना, समस्या रहती है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और हाँ, एक जो अपना रूबीडियम चैनल जब आप यूट्यूब पे ओपन करोगे तो वहाँ पर एक लिंक गिवन है, वो लिंक अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है बेटा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाओगे, फिर आप अपना जो भी समस्या है उस व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल सकते हो, वहाँ पर भी आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है, समझ गए। लेकिन इस जो अपना चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, है ना। ये चीज़ें बार बार बोलनी पड़ रही है बेटा, क्योंकि अभी अपने को उतना रेस्पॉन्स मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए था। ठीक है, तो आप ही की जिम्मेदारी है, आप अपने दोस्तों तक इसको स्प्रेड करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है बेटा, तो आज हमने बात करी है डेंसिटी के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेंसिटी समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार एक सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए फिर से एक उनको रिपीट कर देता हूँ। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, या ऐसे भी बोल सकते हैं यूनिट वॉल्यूम में कितना मास सब्सटेंस का प्रेजेंट है वो डेंसिटी कहलाएगी। फिर हमने बात करी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव का मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, तो अगर हम किसी भी रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो ये रेशियो होगा दो डेंसिटी का, एक वो डेंसिटी जिसकी हमने रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, एक वो डेंसिटी जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग प्रकार से डिफाइन होती है और गैस के लिए अलग प्रकार से डिफाइन होती है। सॉलिड और लिक्विड के लिए जो डेंसिटी होती है उसको हम स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसको हम स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये दोनों टर्म क्वेश्चंस में यूज होते हैं, और रिलेटिव में डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होता है इसलिए वो यूनिटलेस भी होगी। जो ऊपर वाली डेंसिटी है उसकी जो यूनिट होगी वही नीचे वाली डेंसिटी की यूनिट होगी, तो रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। ऐसे यदि हम गैस की बात करें तो गैस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको बोलते हैं हम वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी जो होगी वो गैस की डेंसिटी अपॉन H2 गैस की डेंसिटी सेम कंडीशन पे। सेम कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने PV = nRT की हेल्प से एक फॉर्मूला जनरेट किया जिसमें हमने देखा D बराबर होता है PM/RT, डी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस PM/RT, पी प्रेशर ऑफ गैस है, एम मोलर मास ऑफ गैस है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, और टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, फिर उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए हमने वेपर डेंसिटी कैलकुलेट की किसकी? गैस की, और गैस की वेपर डेंसिटी जो होगी वो मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2। समझ में आई बात? तो ऐसे करते हुए फिर हमने लास्ट में 2-3 क्वेश्चन किए हैं, और ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप कर लेना, फिर भी कोई समस्या रहती है तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, सिर्फ डेंसिटी के बारे में अपने को डिस्कस करना था, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।